एक और डब्बा लेके आ गया हूँ अनबॉक्सिंग के लिए। अभी आपने मेरी माउस पैड की अनबॉक्सिंग वाली वीडियो देखी होगी, अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वाली। इसमें दो चीज़ें हैं, एक की अनबॉक्सिंग अभी मैं एक को दिखाऊंगा, दूसरे को दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा, बट ये पैकेट दोनों साथ में आया हुआ है। दूसरा जो डब्बा है इसको मैं साइड करता हूँ, इसको हम दूसरे वीडियो में यूज़ करेंगे, इसमें नहीं दिखाने वाला हूँ क्या है इसके अंदर। ये इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब दूसरी जो है अनबॉक्सिंग के माउस का है, एंड ई स्पोर्ट की माउस के बारे में बात कर रहे हैं। जिस रेंज में ये आती है उस रेंज में ये माउस काफ़ी अच्छा है। 4000 dpi तक का ये है, ऑप्टिकल सेंसर, 16.8 मिलियन कलर्स इसके RGB को सेट कर सकते हो, ऑप्टिकल RGB गेमिंग माउस है और बाकी कुछ कुछ डिटेल है। 7 बटन्स इसके ऊपर में, 4000 dpi गेमिंग सेंसर है, 6 कलर LED इल्यूमिनेशन है, रेडिड केबल लगी हुई है। प्राइस वैसे 2499 रुपीज़ है, बट ये मुझे मिली है 1150 के आसपास में। तो डब्बे पे ये सारी चीज़ें ही थी, ज़्यादा कुछ है नहीं। डिज़ाइन देख सकते हो कितना सही डिज़ाइन है इसका। तो इसको खोलते हैं और देखते हैं डब्बे के अंदर में कैसा माउस है। देखो इससे सस्ते सस्ते माउस बहुत सारे हैं आपको, जेब्रोनिक्स के और भी बहुत सारे हैं, रेड गियर्स के, बट इसका जो सबसे बेस्ट पार्ट है इसकी पोलिंग रेट जो है, इस प्राइस रेंज में इसकी पोलिंग रेट सबसे अच्छी है। तो भी मैं डब्बा खोलूँगा तो इसमें से एक माउस ऐसे पैक आता है। बाकी इसके अंदर में और कुछ मैनुअल्स है, आई थिंक कुछ स्टैंड वस्टैंड टाइप का है, डोंट नो क्या है। और एक आपको एंड स्पोर्ट का आपको ये मिलता है, वारंटी कार्ड है, 1 ईयर की वारंटी है इस पर। ये देख कुछ कुछ है चीज़ें, RGB कलर वलर और इसके बटन के बारे में सारा कुछ बता रखा है, सॉफ्टवेयर वोफ्टवेयर के बारे में डाल रखा है, कहाँ से आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता है, मैनुअल काम की चीज़ है ये सारी चीज़। इसको डब्बे के साथ साइड करते हैं और आप देखते हैं माउस को खोल के। पहली चीज़ तो आपने गौर करी होगी कि ये इसमें गोल्ड कोटेड USB है और ब्रेडेड केबल है, केबल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसको खोलते हैं, लेंथ भी मुझे काफ़ी सही लग रहा है इसका। तो ये देख लो ब्रेडेड केबल है इसके अंदर में, लेंथ अच्छी है और ब्रेडेड केबल की क्वालिटी भी आप खुद देख सकते हो। माउस में वेट है यार, अच्छा वेट है इसके माउस में। ये हुई हमारी माउस। तो कहीं पे भी इसमें स्टील का यूज़ नहीं किया हुआ है। जनरली 500 रुपये के माउस में भी मैंने देखा है स्टील प्लेटिंग होती है, बट इसमें नहीं किया है। पर वज़न काफ़ी अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी है इसकी। 2 dpi बटन है ऊपर में प्लस माइनस का, और एक व्हील है आपको, 2 बटन जो नॉर्मल बटन होता है, बटन क्लिक के बाद सुन लो, और साइड में पेज अप पेज डाउन नॉर्मली होता है वो बटन दिया हुआ है। पीछे एक सेंसर है जो आप देख सकते हो लाइट का, बाकी और कुछ है नहीं। और यहाँ पे एंड स्पोर्ट की ब्रांडिंग है जिसमें LED लाइट लिट होती है। तो अभी हम क्या करते हैं ना, इसको लैपटॉप में लगा लेते हैं और देखते हैं कि कैसी इसकी लाइटिंग है। बाकी तो फुल रिव्यू मैं आपको धीरे धीरे चला के फिर उसके बाद दूंगा। सबसे बेस्ट पार्ट इस माउस की है जो इसकी पोलिंग रेट, 1 मिली सेकेंड की है। बाकी जनरली 500 रुपये के माउस जो भी लोग है, काफ़ी डिज़ाइन अच्छी मिल जाएगी आपको जेब्रोनिक्स की, रेड गियर की, पर उसकी पोलिंग स्पीड जो है 8 मिली सेकेंड का डिफरेंस है। इसके वाले 500 रुपये के माउस 8 मिली सेकेंड का डिफरेंस और इसमें 1 मिली सेकेंड का। तो गेमिंग के लिए FPS गेम खेलते हो, PUBG या फिर कोई और कम्पिटिटिव गेम, तो वहाँ पे ये माउस अच्छा होने वाला है, इसलिए मैंने लिया था। वरना मुझे तो रेड गियर का A15 पसंद आ गया था, 500 रुपये का ही था, तो मैं 1100 रुपये लगाए इसमें क्योंकि ये कुछ अलग काम करता है इसलिए। तो अगर चला के देखेंगे तो पहला एक्सपीरियंस तो मुझे सही लग रहा है इसका, हैंड में पकड़ने का, और इसकी मूवमेंट काफ़ी सही लग रही है हैंड में। देखते हो अच्छे से हैंड में आ रहा है ये, पूरे फुल हैंड में मेरे चलाने में मज़ा आ रहा है इसको मुझे। सो हम माउस के सॉफ्टवेयर वाले पार्ट को चेक कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर में इसकी सेटिंग कैसी होती है। सो इसका सॉफ्टवेयर जो आता है उसके लिए आपको क्या करना होगा, गूगल पे सर्च करना होगा एंड ई स्पोर्ट, जैसे मैंने सर्च कर रखा ऑलरेडी तो मेरी आ रही है। इसमें डालने के साथ सबसे पहला जो है ये वेबसाइट खुलेगी, इस पर आपको मतलब दिखेगा लिंक, इस पर आ जाना। सबसे पहले एंड ई स्पोर्ट के हम वेबसाइट पे आ जाएंगे, फिर जाएंगे डाउनलोड्स में, और डाउनलोड में हम चूज़ करेंगे जो भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है उसके लिए। सो हमें अभी अपना माउस ANT ESport की GM500 इसकी डाउनलोड करनी है। देख लो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुकी है, इसको मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, मैंने डाउनलोड करके आपको दिखा दिया। तो पहले हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि उसका कैसा होता है UI। ऐसे आने वाला है UI, सारा चीज़ देख सकते हो। उसमें 7 बटन्स के लिए सेट है, इस पर जो भी चीज़ें हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन, मिडिल बटन, जो भी इसके क्लिक पे आपको करना है, और दोनों साइड वाले जो ये बटन्स हैं इसके लिए भी आपके पास सेटिंग है जो कर सकते हैं। बैकवर्ड फॉरवर्ड के लिए है, और ये तो पता ही आपको, DPI प्लस और माइनस से DPI को प्लस माइनस करने वाले हैं हम, जो
बता रखा है DPI प्लस माइनस का। ऐसा ओवरव्यू सेम आपके इस सॉफ्टवेयर में दिखेगा, जो जो चीजें जहाँ पे है उसके बारे में। और यहाँ से आपको प्रोफाइल बनाने की है, मान लो कि एक प्रोफाइल में कुछ अलग अलग सेटिंग रखते हो, दूसरे में कुछ और रखते हो, तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। इस साइड में जब आओगे तो यहाँ हर कलर सेटिंग के साथ आपकी DPI की सेटिंग है। जैसे कि आपको 4000 पे जाना है तो ये आपकी ग्रीन हो जाएगी। इसकी कलर आप चेंज भी कर सकते हो, जिस कलर के लिए आपको रखना है वैसे रख सकते हो। सो मैंने आपको दिखा दिया कि DPI सेटिंग आपकी रेड पे है, मतलब रेड पे डाल रखा है इसको, तो 500 है। और इसका मूवमेंट देख सकते हो कितना स्लो है अपने कर्सर का। सो ये हो गई हमारी DPI की डिटेल। अब मैं थोड़ा DPI बढ़ा लेता हूँ क्योंकि माउस थोड़ा मूव बहुत स्लो हो रही है। मैं इसको करता हूँ 2000 पे, यानी ब्लू कलर पे कर दिया है। थोड़ा और स्लो कर लेते हैं, स्काई कलर पे है। सो हमारा भाई 1500 DPI पे है, सो मूवमेंट इसकी सही है। अब ये हो गई आपकी DPI सेटिंग की बात। दूसरा जो हमारा आता है लाइटनिंग वाला सेक्शन आता है। अब इसमें आप इस वाली जो लाइटिंग है ना, ये साइड माउस की पूरी, इसको आप चेंज कर सकते हो। देखो मैंने स्टडी कर रखा है इसमें, बाकी और भी बहुत सारे हैं। कलरफुल स्ट्रीमिंग करना है, देखो कलरफुल स्ट्रीम हो रही है यहाँ से यहाँ तक, सब कलर में चेंज हो रही है। ये वाला पार्ट जो है ये DPI के लिए है, इसमें ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला। बट ये देख सकते हो आप, इसमें काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही है साइड से, मल्टी कलर स्ट्रीम होते हुए पीछे से आगे से पीछे तरफ जा रही है। और इसका आप चाहो तो स्पीड बढ़ा सकते हो, जो आप यहाँ पे स्पीड डाला हुआ है अभी 1 स्पीड पे है। अगर मैं इसको बढ़ा दूँ, ज़्यादा कर दूँ, तो स्ट्रीमिंग देखो, अब आप देख सकते हो इसकी स्ट्रीमिंग कितनी फास्ट हो गई है। सेम इसको हम स्लो कर देंगे, और हम स्ट्रीम का डायरेक्शन भी कर सकते हैं। अभी क्या हो रहा है, पीछे से आगे की तरफ जा रहा है जितना मुझे लग रहा है। अब मैं इसको डायरेक्शन अगर नीचे कर दूँ तो इधर से इधर आएगा, ये देखो स्ट्रीम पीछे आ रही है। मतलब डायरेक्शन चेंज करने के लिए किधर से स्ट्रीम को आपको किस तरफ लाइट का रखना है। सो ये हो गया कलरफुल स्ट्रीमिंग। स्टडी कर दो तो आप जिस कलर में स्टडी करना चाहोगे उसमें स्टडी हो जाएगा। ब्राइटनेस इसमें बढ़ा सकते हो, मैंने ब्राइटनेस कम कर रखा था, अभी ज़्यादा कर दिया, तो ये देख सकते हो साइड की ब्लू कलर ज़्यादा ब्राइट हो गई है। थोड़ा इसको मैं कम कर दूँ तो कम कर सकता हूँ। काफ़ी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है ये। सेम इफेक्ट आपको आपके स्क्रीन पे भी दिखेगा, ये जो माउस बनी हुई है वहाँ पे देख सकते हो। अब इसके बाद इस पर कलर भी चेंज कर सकते हैं, फुल कस्टमाइज है। मैंने ब्लू कर रखा है, आप चाहो तो स्टडी में आप जो भी करना चाहो, बहुत सारे कलर हैं। जिस कलर में मैं जैसे को मिक्स इस कलर में डालना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको ओके यहाँ से करूँगा, ये देखो कलर चेंज हो गई। तो फुल कस्टमाइज है RGB इसकी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन इसके अंदर में। इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा देता हूँ, ज़्यादा दिखेगी आपको। तो ये हो गया पार्ट लाइटनिंग की, स्टडी में हो गया। ब्रीदिंग इफेक्ट लाना है आपको, ये देखो ब्रीदिंग इफेक्ट आ जाएगा इस पर। अब इसमें भी आप चूज़ कर सकते हो कि किस कलर से ब्रीदिंग, किस कलर पे ब्रीदिंग रखनी है इसकी। जिस भी कलर पे आपको चूज़ करना है चूज़ कर दो, और ब्रीदिंग इफेक्ट आप देख सकते हो इसके साथ आ रही है। ये देखो मल्टीपल कलर के साथ में ये ब्रीदिंग इफेक्ट हो रहा है। आप इसको स्पीड को भी बढ़ा सकते हो, अगर ब्रीदिंग इफेक्ट की स्पीड बढ़ानी है। देखो अभी ज़्यादा बढ़ गई है, और मल्टीपल कलर में जो भी कलर है सब कलर में ब्रीदिंग इफेक्ट के साथ चेंज हो रही है। इसके बाद इफेक्ट चेंज करें और चले हम कलरफुल टेल में। तो अब ये टेल की तरह ऊपर से नीचे तक मूव हो रही है, देखो कलर हर कलर में ये ऊपर से नीचे जा रही है। आपको सीक्वेंस पता चल रहा होगा, वाइट में हर भी कलर में ये ऊपर नीचे आ रही है। ये होगा कलरफुल टेल। और नियॉन में करना है तो नियॉन इफेक्ट आप देख सकते हो, ये नियॉन हो गया। फिर कलरफुल स्टडी, तो मैंने आपको दिखाई दिया है कलरफुल है और स्टडी है, मतलब कि एक स्टडी था भी कलरफुल स्टडी है। मल्टीपल कलर्स इसमें है, इसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसको कहाँ कहाँ क्या रखना है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो एक कलर पैलेट आ गया है, इसमें चेंज कर सकते हो चीज़ों को। फिर उसके बाद फ्लिकर है, फ्लिकर में देखो फ्लिकर कैसे होती है, स्क्रीन पे दिख रही है और आपको माउस में भी यहाँ पे दिख रहा है कितनी फ्लिकर इफेक्ट आ गई है। आई थिंक कि ये ब्लू और इसके साथ में अगर चाहो तो चेंज भी कर सकते हो कलर, अगर आपको इसके साथ करना है। देखो रेड और ग्रीन के साथ आ गया, मैं ग्रीन और ब्लू कर देता हूँ, तो ग्रीन ब्लू के साथ फ्लिकर इफेक्ट आ रहा है। फुल कस्टमाइजेशन इसके साथ में आपका। टेल में आना है, टेल डाल दिया मैंने। सिर्फ सिंगल कलर के साथ टेल इफेक्ट चाहिए तो वो कर सकते हो, और सो इफेक्ट चेंज कर सकते हो इसका। फिर इसके बाद हम आए वेव में, तो वेव का देख लो आप, ये वाला इफेक्ट आ रहा है इसमें, जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रही है और अपने माउस में भी आपको यहाँ पे दोनों एक साथ में ही दिखेगी। और अगर हम बात करें इसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, वेव हो गया आपका। फिर LED ऑफ का भी ऑप्शन है, अगर चाहो तो LED को ऑफ कर सकते हो।
बट ये ऑफ क्यों नहीं हुआ? आई थिंक एलईडी ऑफ हो गई है, बस ये वाला पार्ट आपके पास में ऑप्शन नहीं है बंद करने का, तो ये बंद नहीं हो रहा, इसी के लाइट इफेक्ट से साइड ये चीज़ें चल रही है। तो ये था लाइटनिंग का पार्ट। अब आ जाते हैं माउस पैरामीटर, माउस सेंसिटिविटी कितनी रखनी है वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं, फिर स्क्रोलिंग स्पीड कितनी रखनी है वो हम सेट कर सकते हैं, डबल क्लिक की स्पीड कितनी रखनी है, तो आप जो विंडो की प्रॉपर्टी में जाके सेट करते हो वो यहाँ पे भी कर सकते हो। ये पार्ट ये हो गया। अब एक आ गया जो सबसे बेस्ट पार्ट है इस माउस का, वो है पोलिंग रेट। इसी वजह से इस माउस की प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा थी। वैसे तो आप ऐसे इससे ज़्यादा 4GB लाइट के साथ में आपको इससे ज़्यादा स्टाइलिश माउस 500 रुपये में मिल जाएगी, बट ये इम्पैक्ट यहीं पे चेंज होता है। उन माउस की जो ना पोलिंग रेट 1000 नहीं होती है, काफ़ी कम होती है। सो पोलिंग रेट क्या करता है ना, पोलिंग रेट ये करता है कि आप जो क्लिक दे रहे हो तो कितनी जल्दी वो रजिस्टर कर रहा है आपको, कितनी जल्दी वो इफेक्ट दे रहा है आपके मॉनिटर पे। सिंपल लैंग्वेज में ये समझना, तो ये समझ लो कि पोलिंग रेट आपके क्लिक या आपके इनपुट को बहुत जल्दी रजिस्टर करता है, जिस वजह से बहुत जल्द ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है, आपके FPS गेम के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो इसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हो आप, अगर चाहते हो पोलिंग रेट कम करना है सब यहाँ पे सेट कर सकते हो। इस वजह से इस माउस का प्राइस इतना ज़्यादा है। तो फुल कस्टमाइजेशन आपने देख लिया यहाँ पे। यहाँ पे कुछ सेटिंग है कि आपको किसी प्रोफाइल का किसी और बंदे ने कस्टमाइज़ किया है तो इसको एक्सपोर्ट करके यहाँ यूज़ कर सकते हो, प्लस एक्स्ट्रा प्रोफाइल यूज़ करना है तो यूज़ कर सकते हो। तो ये है ओवरऑल माउस के सॉफ्टवेयर का कॉन्फ़िगरेशन। और इनमें जो जो बटन है ये कस्टमाइजेबल है, फॉरवर्ड बैकवर्ड के हिसाब से आप चाहो तो यहाँ पे कुछ और भी चेंज कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो, इसको DPI के लिए यूज़ करना है, मल्टीमीडिया के लिए यूज़ करना है, या DPI लॉक कर देना है किसी पे लाके तो इस बटन को उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें ऑप्शन, पहले तो भी 3 क्लिक करना है, फायर की के लिए यूज़ करना है इसको, तो काफ़ी कुछ है जिसको फुल कस्टमाइजेशन इसके ऊपर में सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हो ये सारी चीज़ें। जो बेस्ट पार्ट लगा मुझे इस माउस का कि पूरी RGB पे फुल कंट्रोल है अपना, जितना चाहें सब कुछ कर सकते हैं। इवन RGB नहीं, हर बटन पे कंट्रोल है, RGB कंट्रोल है, और कूलिंग रेट वगैरह तो कर ही सकते हैं हम चेंज। तो आपने देख ही लिया सब कुछ। ये था फुल इसके सॉफ्टवेयर का डिटेल। अब इसकी ओवरव्यू और इसका परफॉर्मेंस जो भी है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मैं आपको जो माउस का ओवरव्यू दे रहा हूँ, अब मैंने इसको 5-6 डेज यूज़ कर लिया, उसके बाद में ओवरव्यू दे रहा हूँ। बिल्ड क्वालिटी के बारे में अगर बात करें तो पूरे प्लास्टिक से बनी हुई है, कहीं पे भी इसमें मेटल यूज़ नहीं हुआ है। हालांकि सस्ते वाले माउस जो 500 के आते हैं उसमें भी मेटल यूज़ किया गया उसके प्लेट में पीछे, बट इसमें कोई मेटल कहीं यूज़ नहीं हुआ है। आवाज़ अगर आप ना चाहते तो सुन सकते हो, ऐसी आवाज़ है दोनों की। रोलर स्मूथ है जिससे आप पेज स्क्रॉल कर सकते हो, ये भी सही है इसकी। और 2 DPI की बटन है जो इससे आप DPI बढ़ेगी, इससे DPI कम होगी, तो बहुत हेल्पफुल होता है जब गेम खेल रहे हो आप। अगर फास्ट करना है मूवमेंट आपको माउस की तो आप DPI जल्दी से बढ़ा लो, कम कर लो। और यहाँ पे कलर सिस्टम है जिससे भी आपको पता लगता है कि आप किस DPI पे हो, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा आपने किस DPI पे कौन सा कलर सेट किया है। चाहो तो आप खुद अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, कस्टमाइजेबल है, जो आपको मैंने सॉफ्टवेयर में दिखा दिया वैसे जो पहले से सेट है उसको भी याद कर सकते हो। कि मैं छोटा माउस यूज़ कर रहा था, आपने मेरे चैनल पर रिव्यू देखी होगी, Logitech की माउस है, मैं उसको यूज़ कर रहा था, तो मुझे छोटे माउस को यूज़ करने की आदत थी, तो इसके आने के बाद मुझे बहुत दिक्कत हुई शुरू के 1-2 दिन में। बाद में अब मैं बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हो गया हूँ इस चीज़ के लिए और मुझे बहुत कम्फर्टेबल लगता है गेम खेलने में। बिल्कुल इसकी जो हैंड ग्रिप बहुत ही बढ़िया है इसकी हैंड ग्रिप, सो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली हैंड ग्रिप में। पीछे साइड में जो ये चीज़ें बनी हुई ना पकड़ने के लिए, बिल्कुल सेट हो जाती है आपके हाथों में। माउस क्लिक वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सही गेम खेल सकते हो, गेम मूवमेंट बहुत सही होती है। इस माउस के साथ एक इंसिडेंट बताता हूँ जो कि आपको भी हो सकता है। शुरू के 1-2 दिन ना मुझे बहुत दिक्कत हुई। पहले तो एक चीज़ तो इसमें ये है कि वेट है इसमें, थोड़ा वेट ज़्यादा है। मैंने किसी किसी को देखा है इसके अंदर में एक वेट लगा हुआ है यहाँ से अटैच स्क्रू के साथ, खोल के लोगों ने उसको हटा दिया जिसको कम वेट चाहिए। तो मैं तो नहीं ट्राई करने वाला हूँ ये चीज़, मुझे वेट सही लग रही है इसकी, वेट से मूवमेंट सही हो रही है। एक इंसिडेंट तो मेरे साथ में हुआ था कि आप ये जो प्लेट देख रहे हो ना, तो जब नया नया आया था तो मैंने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया, इन प्लेट्स पे ना प्लास्टिक लगी हुई थी, और जब मैं माउस का मूवमेंट कर रहा था ना, माउस की मूवमेंट, तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी और मुझे लग रहा था कि मैंने कैसे ये परचेज कर दिया, गलत डिसीजन लेके, मुझे लगता है रिटर्न करने की ज़रूरत पड़ जाएगी, और रिटर्न के लिए ऑप्शन भी नहीं था, रिप्लेसमेंट का ऑप्शन था। सो मैं ऐसे 2-3 दिन तो चलाते रहा, पर मुझे बहुत बुरा लग रहा था, इतने लोगों ने रिव्यू कैसे डाल दिया ऐसे, अगर इतनी दिक्कत है इसकी मूवमेंट इतनी फंसती है तो कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद एक दिन अचानक से मैं ऐसे देख रहा था, मैंने देखा इसमें प्लास्टिक लगी हुई है और सबकी प्लास्टिक मैंने हटाई, और जब मैं उसके बाद यूज़ किया तो मुझे डिफरेंस पता चला कि मैं कितनी गलती कर रहा था, मैंने देखा कैसे नहीं, और कैसे मैं जज कर रहा था जल्दी इस माउस को जिसमें इतनी अच्छी रिव्यू है
अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट पे। सो एक दिक्कत हो सकती है, तो आप जैसे आपके पास में आए तो इसके ऊपर से प्लास्टिक वाली जो रैपिंग होगी उसको हटा लेना, वरना बहुत दिक्कत होने वाली है। RGB का फुल कस्टमाइजेशन है, कुछ भी जो भी डिटेल है सॉफ्टवेयर में बता दिया मैंने, ये इस पार्ट को तो आप फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हो और उसको बंद भी कर सकते हो, बट इस वाले पार्ट पे आप कस्टमाइजेशन फिक्स हैं जो आपको DPI से रिलेटेड DPI चेंज के लिए आप शुरू कर सकते हो जो भी चेंज करना है इस वाले पार्ट को। बट एक दिक्कत है, इसको बंद नहीं कर सकते हो, ये ऑफ नहीं होती है, बिल्कुल ऑफ नहीं होती जितना मुझे अभी तक पता लगा। चेंज कर सकते हो कलर वगैरह, लाइट डिम कर सकते हो, लेकिन इसको बंद नहीं कर सकते हो। पोलिंग रेट अच्छी होने की वजह से आपको गेम में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मिलने वाला है इस माउस पे, ये देख लेना आप। अगर आपको गेम FPS गेम खेलते हो तो थोड़े पैसे 500 और लगा के अच्छे परफॉर्मेंस वाले माउस लेना। ये मैं बिल्कुल ऑर्डर करने वाला था, बाद में मुझे पोलिंग रेट के बारे में पता चला तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया उस पर और फिर उसके बाद लिया। सो पूरा फिजिकल ओवरव्यू से लेके पूरे डिटेल रिव्यू जो थी मैंने आपको इस माउस के बारे में दे दी है। इससे पहले जो आप मैं ये देख रहे हो माउस पैड, इसकी भी रिव्यू मेरे चैनल पे आ चुकी है, आप उसको भी देख सकते हो। ये हमारा कॉस्मिक बाइट का फुल RGB माउस पैड है, इसकी रिव्यू आ गई है। और जो साइड में आप ये कीबोर्ड देख रहे हो, इस वीडियो के बाद जस्ट इस कीबोर्ड की रिव्यू आने वाली है मेरे चैनल पे। सो अगर आप फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि टेक्निकल वीडियो ऐसे इन्फॉर्मेटिव मेरे चैनल पे आती रहती है। काफ़ी रिसर्च करके जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है मैं आपको बताते रहता हूँ, ताकि आप पर कुछ लोग कुछ खरीदो तो आपको हेल्प हो उस चीज़ के लिए, ज़्यादा भटकना ना पड़े। सो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, मेरे चैनल पे ऐसी चीज़ें मिलती रहेगी। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और एक कमेंट कर दो कि आप कौन सा माउस यूज़ कर रहे हो और आपके माउस की परफॉर्मेंस कैसी है। क्या आपके पास इससे कोई अच्छी माउस है तो उस माउस का नाम बताओ, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं उस माउस को खरीदूँ और उसका रिव्यू करूँ आपके लिए। सो ये थी वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।